स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल जो है वो तुम लोग पहले भी पढ़े हुए प्लस वन में, जो सॉलिड एंगल का स्टेट रेडियन यूनिट होता था और प्लेन एंगल का जो होता था वो रेडियन होता था, ठीक ना। तो ये पहले भी पढ़े हुए हो, लेकिन देखो ये जो सॉलिड एंगल का टॉपिक है ना, ये इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ तुम लोगों को कि इसका यूज़ तुम लोग शायद अभी तक किए हो प्लस वन में, अगर अच्छे से पढ़े हो तो रेडिएशन में यूज हुआ है इसका, ठीक ना। और तो सॉलिड एंगल पढ़ाने का मेरा ये रीज़न है क्योंकि इसका यूज़ देखो कई सारे चैप्टर में होता है। एक तो तुम्हारा रेडिएशन में होता है, बहुत अच्छा यूज है इसका, ग्रेविटेशन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड में होता है तुम्हारा, फिर इसमें लाइट में होगा और अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड में होगा, कई सारे चैप्टर में होता है सॉलिड एंगल का यूज। और सॉलिड एंगल तो तुम लोग बस पढ़ लेते हो स्टेट रेडियन होता है, लेकिन इसका यूज कहाँ है, न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करते हैं इस पर, वो चीज़ मैं आज आपको सिखाऊंगा, ठीक ना। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखो, फिर सॉलिड एंगल से आपका डर मिट जाएगा, क्लियर है। तो चलो हम लोग सॉलिड एंगल पे आते हैं। सॉलिड एंगल पहले जानते हो वैसे तो तुम लोग, सबसे पहले हम लोग प्लेन एंगल की बात करते हैं। देखो प्लेन एंगल क्या होता है, पढ़े हो बहुत अच्छे से, मान लो ये आर्क है, ये थीटा है, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या था, ये आर्क है, आर्क किससे बनता है, लेंस, आर्क किससे बनता है, लेंस से। तो हम लोग क्या लिखते थे, आर्क अपॉन रेडियस या फिर डेल्टा एल अपॉन रेडियस, यही लिखते थे ना। ये कौन सा एंगल, ये क्या था, प्लेन एंगल, ये सभी को आता है, ठीक ना। सॉलिड एंगल देखो, सबसे पहले सॉलिड एंगल होता क्या है ये समझते हैं हम लोग। देखो ये पेज दिख रहा है, ये तो खाए हो ना, इसमें बेलपूरी खाते हैं इसमें लोग, और भी बहुत कुछ खाते हैं, इसके अंदर मल्टी फंक्शन है, ये मल्टी जगह यूज हो जाता है। देखो आप देखना ध्यान से, ये अंदर जो दिख रहा है ये प्लेन एंगल है क्या, नहीं, ये कौन सा एंगल है, ये सॉलिड एंगल, ये प्लेन एंगल नहीं, ये कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल है। तो इस एंगल को कैसे डिफाइन करोगे, ओके आप समझ में, ये जो एंगल है ना अंदर वो सॉलिड एंगल है। अब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल जो है, ध्यान देना, ये समझ में आ गया, प्लेन एंगल किससे बनता है, दो लाइन को ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, प्लेन एंगल बनता है, दो लाइन को ज्वाइन करते हो तो क्या बनता है, प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल कैसे बनेगा, देखो सॉलिड एंगल जो है ना दो लाइन को ज्वाइन करने पर नहीं बनता, तो फिर कैसे बनता है, सॉलिड एंगल जो है वो ऐसा होता है, ऐसा सॉलिड एंगल ऐसा होता है, ये तो ये क्या बना रहा है, ये लाइन है क्या, ये पूरा एरिया है ना, ये क्या पूरा एरिया है, सॉलिड एंगल एक पूरा एरिया बनाता है ऐसे, तो एक पूरा एरिया है ना वो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूँ। देखो ये तो ये क्या एक पूरा एरिया हो गया ना, और प्लेन एंगल क्या था, एक लाइन था, और ये पूरा एक एरिया हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो जो प्लेन सॉलिड एंगल है इसको हम लोग ओम से लिखते हैं, सॉलिड एंगल, एंगल सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है ये, वो लेंथ था तो हम लोग आर्क लेते थे, ये क्या है, ये इसका ये वाला पार्ट देखो, ये क्या है, कोई एरिया है, तो क्या लिखोगे, डी ए, डी ए अपॉन वहाँ आर था क्योंकि लेंथ था, तो आर एरिया है तो आर स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन, स्टेट रेडियन होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, स्टेट रेडियन, ठीक है। इसको कॉपी करो, ठीक है, ये पता चल गया। तो देखो एक रिलेशन होता है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का, ओके एक और चीज़ है इसमें कन्फ्यूजन तुम लोग को हो सकता है, वो भी मैं बता देता हूँ, चलो ऐसे नहीं ऐसे बता, अगर मान लो ना कौन ऐसे नहीं है, कौन ऐसे है, ऐसे ये है कौन, ऐसे
एंगल तो उतना ही है ना, एंगल क्या है, एंगल तो वही है, चाहे कौन ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, तो फिर कौन सा एरिया लोगे, तुम्हें तो दिया ये एरिया, ये तो दिया ही नहीं रहेगा ऐसे बना हुआ, तो फिर क्या करोगे, लेकिन मेरे को लेना क्या है ये एरिया। तो एक बात बताओ, अगर ये थीटा एंगल है तो ये अगर डी ए है तो ये क्या है, ये अगर डी ए तो ये क्या है, डी ए कॉस थीटा। तो बताओ जो हम ये है स्टेट रेडियन, उसको हम लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा, मतलब लिखो डी ए परपेंडिकुलर, जो यहाँ से एक्सिस होगा कोण का, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उस एरिया को लिखेंगे डी ए परपेंडिकुलर। बात आई समझ में, डी ए परपेंडिकुलर, ये एरिया नहीं लेगा, इसके परपेंडिकुलर, इससे जो एक्सिस निकलेगा उसके परपेंडिकुलर जो एरिया का वो लेगा। तो बताओ अगर ये थीटा एंगल पे, तो क्या लिखेगा डी ए कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर वर्टिकल से एंगल दिया रहता तो फिर ये डी ए साइन थीटा हो जाता है, यहाँ साइन थीटा लिख देते, इसलिए हम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं भूलिए याद करना, ये याद करो ये। अगर वर्टिकल से एंगल देता तो ये डी ए, ये डी ए, ये डी ए कॉस थीटा होता ना, ये क्या हो जाता डी ए साइन थीटा अगर वर्टिकल से देता, तो उस हिसाब से देख याद रखना डी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ देखो, अब सॉलिड एंगल मान लो ये कौन जो है ये अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल प्लेन एंगल इसका अल्फा और सॉलिड एंगल इसका क्या है ओम, प्लेन एंगल क्या है अल्फा और सॉलिड एंगल क्या है ओम। तो देखो इसका एक ना वो है रिलेशन, वो रिलेशन मैं बताता हूँ क्या, जो बहुत काम का रिलेशन। देखो क्या है, सॉलिड एंगल इक्वल टू टू पाई वन माइनस कॉस अल्फा, यहाँ ये कौन सा एंगल है सॉलिड एंगल और ये कौन सा एंगल है प्लेन एंगल, ये कौन सा एंगल है सॉलिड एंगल और ये कौन सा एंगल है प्लेन एंगल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का बहुत यूज है। अच्छा इसका ड्राइवेशन भी है, मैं ड्राइवेशन में टाइम पास नहीं करवा रहा, अगर कोई इंटरेस्टेड हो ड्राइवेशन के लिए, ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप पे 7696725753 व्हाट्सएप पे मेरे समझ लेना, मैं उस पर समझा दूंगा, ठीक है ना। टाइम पास इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो अब इसका यूज करते हैं, कैसे करते हैं अब हम लोग वो समझते हैं। देखो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा ना, जिसको ये फॉर्मूला आता हो तुरंत कर देगा, मतलब एडवांस का सबसे टप क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ तो ये आराम से कर लेगा। जिसको नहीं आता होगा ये फॉर्मूला वो ज़िंदगी में कर नहीं सकता, तो जिसको पता है उसके लिए वो क्या हो जाएगा बोनस मार्किंग हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर क्वेश्चन। मैं अभी जो है ये सॉलिड एंगल का इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्ले लिस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्ले लिस्ट में, तो मैं एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिगार्डिंग कर देता हूँ, एक जनरल क्वेश्चन करवा दूंगा कैसे अप्रोच करते चाहे कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। तो देखो मान लो ना एक सिलेंडर, एक क्या है सिलेंडर जिसका लेंथ क्या है एल, एक चार्ज जिसका रेडियस क्या है आर, एक चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे क्यू, बोला हुआ ना कि इसके कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकल रहा, कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स निकाल रहा, निकाल बहुत टफ क्वेश्चन ही, बहुत टफ, लेकिन जिसको आता होगा ये प्लेन सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट वो तुरंत कर ले। अब बताता हूँ मैं कैसे, देखो ये टफ क्यों हुआ, बोले कि सर ये टफ कैसे, क्यों अपन एप्सिलॉन नहीं, कर्व सरफेस से पूछा हुआ है, क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट तो पूरे से आ रहा है ना, पूरे से कितना है क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट, तुमसे कर्व सरफेस से पूछा हुआ है नॉट के पूरे से, पूरे से तो कोई बता दे क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट, कर्व सरफेस बहुत टफ बस, करोगे कैसे। अब देखो जिसको सॉलिड एंगल आता है ना तो वो देखो कैसे करेगा, ध्यान देना ये आर्क है, ये क्या है एक आर्क जिसका कि प्लेन एंगल मान लो अल्फा है, सॉलिड एंगल मेरे को पता नहीं, सॉलिड एंगल मेरे को पता नहीं, अब ये अल्फा कैसे निकालोगे,
तो सॉलिड एंगल पहले कैसे निकालोगे? तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, 2π 1 cos α। बहुत सिंपल, यही बताया था ना। बताओ, ओम इक्वल टू 2π 1 cos α। अल्फा कॉस अल्फा तुम्हें चाहिए। ये बताओ कितना है? एल बाई टू, क्योंकि टोटल ले लेते, ये एल बाई टू होगा, ये आर है, तो बताओ ये कितना होगा? एल स्क्वायर अपॉन 4 + r². क्लियर है? तो बताओ सॉलिड एंगल कितना है? क्या 2π 1 cos α एल बाई टू, एल स्क्वायर अपॉन 4 + r² बताओ, कोई डाउट? नहीं समझे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एल बाय टू, ये बन गया। तुम्हें सॉलिड एंगल पता चल गया ना? क्या पता चल गया? सॉलिड एंगल। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। ऐसे ऐसे कितने? एक ये, एक एक ये, तो तुम इससे फ्लक्स निकाल दो पहले। इससे फ्लक्स अगर निकाल दोगे तो टू से मल्टीप्लाई कर दो, दो है। अगर इससे टोटल से कितना फ्लक्स निकल रहा है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इन दोनों का पता चल गया तो टोटल से माइनस कर दोगे ना। टोटल से कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुमसे कर्व से पूछा गया तो टोटल में इन दोनों का माइनस कर दो, तो जितना इससे निकलेगा उतना इससे भी निकलेगा ना। तो इससे कितना निकल रहा है वो सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है? तो देखो इससे कितना निकल रहा है हम लोग वो निकालते हैं, और ऐसे दो है तो दो से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इससे कितना निकल रहा है, यह हम करते हैं। ओके, कॉस अल्फा समझे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अच्छा, अल्फा ये है, नॉट कि पूरा है, अल्फा ये है। अगर पूरा अल्फा दिया रहता तो अल्फा बाई टू लेते इसको, फिर यहाँ पे पूरा अगर अल्फा दिया रहता तो ये अल्फा बाई टू होता ना, तो अल्फा बाई टू के हिसाब से करते क्वेश्चन जो भी कर रहे हो, ठीक है? वैसे तो तुम अल्फा, तुम ये अपन यही करोगे ना, जो भी निकालना। तो समझ में आ रहा है? अगर मान लो दिया हुआ है 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री दिया है, तो अगर तुम अल्फा की वैल्यू यहाँ पे तो ऐसे निकालो, वहाँ पे फिर कॉस 30 लगाओ ना, कॉस 60 मत कर देना। अगर टोटल 60 दिया, हाँ ये अगर 60 दिया तो कॉस 60 लगाओ, ठीक है? क्लियर है? चलो ये हो गया। अब हमें क्या करना? हाँ देखो, पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना होता है? 4π। तो बता 4π से कितना फ्लक्स निकलता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पूरा स्फीयर होता, जैसे मान लो ये है, अगर ये यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये पूरा अगर स्फीयर होता तो कितना फ्लक्स निकलता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4π में कितना फ्लक्स? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वन यूनिट में बताओ क्यू अपॉन 4π εr। तो बताओ ये ओम में, 1 ओम में कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 4π εr इंटू ये सॉलिड एंगल। क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल, ठीक है? सॉलिड एंगल, ठीक है? इतने में सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी है? तो बताओ, तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा ये निकाल लेते हैं। ये हम लोग इससे फ्लक्स इन, इससे इन ओम, तो क्या करोगे? क्यू अपॉन 4π εr। इसकी वैल्यू क्या आई है? यहाँ पुट करो, 2π 1 − l/2। एल स्क्वायर 4r² / 4। 4 को अगर बाहर करोगे तो 2, 4 को बाहर करोगे तो √4 = 2, 2 से 2 कट गया, तो इसको इससे काट दो, तो ये बन गया ना, ये आ गया तुम्हारा क्या? इससे फ्लक्स 2π 4π कटा, तो क्या बन गया? क्यू अपॉन 2 εr 1 − l² + 4r². समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ?
देखो अगर पूरा स्फेयर होता तो कितना होता, क्यू अपन एप्सिलॉन नंबर यूनिट में इतना, तो प्लस इन ओम में ये ओम की वैल्यू क्या हम निकाले हुए इस यहाँ से, तो यहाँ पे पुट किए तो ये आ गया, ये क्या आ गया हमारा फ्लक्स आ गया, किससे, इससे, ये ऐसे कितने थे एक इधर और एक इधर, तो टू से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, टू से टू गया तो इतना फ्लक्स इन दोनों से निकल रहा है। टोटल फ्लक्स इस सिलेंडर से कितना निकल रहा था बताओ 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 बताओ, तो बताओ नेट कितना आ गया, टोटल फ्लक्स माइनस ये वाला फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एल अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस फोर आर स्क्वायर, खत्म। ये था तुम्हारा आंसर, ये बहुत टफ क्वेश्चन में आता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है एडवांस का, यह हुआ था, समझ में आ गया ना। अच्छा हमारा स्टेट रेडियन का कितना आया, क्या आया था फ्लक्स, सॉरी यार फ्लक्स थ्रू सॉलिड एंगल कितना आया था हमारा, अभी आया था ना, पूरे से कितना होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू, सॉरी पूरे से क्या होता है, पूरे से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फोर पाई इसमें कितना है, वन यूनिट में कितना था फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सॉलिड एंगल में यही आया था ना, देख लो पीछे करवाए हुए फ्लक्स थ्रू, भाई ये क्या है, हाँ फ्लक्स थ्रू सॉलिड एंगल, तो ये सॉलिड एंगल लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू क्या होती है टू पाई वन माइनस कॉस अल्फा, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, खुद वहाँ बना लेना, कितना याद रखोगे, वन माइनस कॉस अल्फा ये आया था ना, तो फ्लक्स थ्रू सॉलिड एंगल ये आ गया तुम्हारा, फ्लक्स सॉलिड एंगल से इतना ही होता है। ये जनरल फॉर्मूला को हम थोड़ा वो कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिया, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, तुम वही याद रखो। अब देखो क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था ना, यहाँ दो चार्ज था, ध्यान देना, क्यू वन और क्यू टू, फ्लक्स निकल रहा है यहाँ से, यहाँ पे गिर रहा है बीटा एंगल पे, यहाँ से निकला अल्फा एंगल पे, तो बोला ना व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्यू वन अपॉन क्यू टू। देखो एक क्वेश्चन देखने के बाद इंसान का दिमाग चकराना स्टार्ट हो गया, तो उसको लगा क्वेश्चन गलत था, क्वेश्चन एकदम भी गलत नहीं था, क्वेश्चन ये एकदम भी गलत नहीं था, ठीक है। ये गलत उन लोग को लग रहा था जिनको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है। सॉलिड एंगल से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो आप बता रहे हैं इससे जितना भी फ्लक्स निकला होगा अल्फा एंगल पर, पूरा का पूरा इस पर गया होगा बीटा एंगल पर, इससे जितना भी फ्लक्स निकला वो पूरा क्यू टू पे नहीं गया है, लेकिन अल्फा एंगल पे जितना भी निकला था सब वो क्यू टू पे गया है, ठीक है। अच्छा बोलोगे सर तो ये माइनस होगा, चलो माइनस मान लो, क्यू वन अपॉन क्यू टू का रेशियो पूछा है मैग्नीट्यूड में, इससे जितना भी निकला पूरा का पूरा इसमें नहीं गया होगा, लेकिन अल्फा एंगल पे जितना भी निकला पूरा का पूरा इस पे गया हुआ, ये तो मानते हो ना। तो अल्फा एंगल से इसमें फ्लक्स जितना निकला है वो पूरा का पूरा इसमें गया है बीटा एंगल पे, तो इसके इससे निकलने वाला फ्लक्स इक्वल टू इस पे जाने वाला फ्लक्स लिख सकते हो, तो बताओ इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा बताओ। अगर तुम्हें प्लेन एंगल पता है तो सॉलिड एंगल के हिसाब से फॉर्मूला लगाओ, क्यू वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस अल्फा, देखो ना अल्फा इक्वल टू, मेरे को पता है इससे के द्वारा जो इससे जो फ्लक्स निकला है पूरा का पूरा इसमें गया था, इसमें जो फ्लक्स गया वो कितना होगा, फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे चार्ज कितना है क्यू टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस कॉस बीटा, हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, तो क्या गया क्यू वन अपॉन क्यू टू इक्वल टू वन माइनस कॉस बीटा वन माइनस कॉस अल्फा, देख लो क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सोचो जिसको आता होगा ये कॉन्सेप्ट कितनी इजी से कर दिया होगा, ठीक है, क्लियर है सभी को।
ठीक है। देखो क्वेश्चन सॉलिड एंगल से, आप बोलोगे सर बाकी चैप्टर में कैसे लगता है, तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देते, ये समझ में आ गया होगा। देखो ये हर एक चैप्टर में सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है, ग्रेविटेशन में है तुम्हारा, रेडिएशन में है, लाइट में है, इलेक्ट्रोस्टेट में है, मैग्नेटिक फील्ड में है। अब देखो बताते कैसे, मान लो ना यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट दिया हुआ है, एक बल्ब दिया हुआ है मान लो, और तुमसे पूछ रहा है ना बताओ ये मान लो 200 वाट का बल्ब है, ठीक है, ये 45 डिग्री, दिया हुआ, ये कौन सा एंगल बता सकते हो, प्लेन एंगल दिया 45 डिग्री, तो बोला बताओ इससे कितना वाट निकल रहा है, पावर इससे कितना निकल रहा है, इससे कितना पावर निकल रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये जो तुम्हें दिया ये कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल, इससे तुमसे पूछ रहा है कितना वाट इससे निकल रहा होगा। देखो आप बताइए जो 200 वाट का लाइट है ये चारों तरफ फैला रहा है ना, प्लेन में या 3D में, 3D में, और ये एंगल क्या, अब तो तुमसे इसका पूछा हुआ है, इसका 4π में कितना लाइट निकल रहा है, 4π में निकलेगा ना लाइट, तो चारों तरफ फैलाएगा, ऐसा थोड़ी ना ये प्लेन है तो लाइट है बस ऐसे निकालेगा, नहीं वो पूरे में फैलाता है, तो 4π में कितना वाट निकल रहा है, 200 वाट, तो फिर इससे, तो इसका तुम्हें सॉलिड एंगल पता होना होना चाहिए ना, तो बताओ इससे 4π में इतना, तो 1 यूनिट में, यूनिट में बताओ 200/4π, तो पावर ओम इक्वल टू क्या लिखोगे, 200/4π ओम लिखोगे ना। अब ये ओम की वैल्यू तुम्हें चाहिए, सॉलिड एंगल की वैल्यू चाहिए, सॉलिड एंगल की वैल्यू बताओ कितना होगा, मेरे को पता है कितना होगा बताओ, 1 2π 1 cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या दी है 45, खत्म क्वेश्चन हो गया। ग्रेविटेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन आते कई जगह, मल्टी ओके मल्टी मतलब मल्टी जगह यूज कर सकते हो, कई जगह यूज कर सकते हो इसको, ठीक है ना। तो सॉलिड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग स्किप कर जाते, सोचते चलो टॉपिक थोड़ा अलग है तो स्किप कर जाते, छोटा सा टॉपिक जरूर, लेकिन कहाँ कहाँ ये भी तो देखो, हर जगह तो इसका यूज है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। दूसरी बात देखो मैं लगातार वीडियो बनाता जा रहा हूँ, ठीक ना, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, बेल आइकन को दबाने से ये होगा कि मैं देखो लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैं एक दिन में 2-2, 3-3 वीडियो भी बना रहा हूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा सभी वीडियो का, क्लियर है, और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर मेरे वीडियो को पूरा अंत, सभी वीडियो को अगर देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर नहीं होगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो JEE हो, चाहे वो नीट हो, क्लियर है। ओके, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।